कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी महिलाओं ने भी अतुलनीय योगदान दिए हैं। ऐसी ही एक क्रांतिकारी महिला का नाम था डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज के लिए हाथों में बंदूक थामी और शेरनी की तरह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ी। 24 अक्टूबर 1914 को उनका जन्म एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। मेधावी छात्रा लक्ष्मी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त करने के बाद महिला रोग में विशेषज्ञता प्राप्त की और 1940 में सिंगापुर चली गईं। लक्ष्मी बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित थी। यही कारण था कि 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिंगापुर आगमन हुआ तो लक्ष्मी ने उनसे मुलाकात करके स्वतंत्रता संग्राम में कूदने की इच्छा जाहिर की। नेताजी ने उनके नेतृत्व में लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की घोषणा की और उनको कैप्टन की पदवी दी गई और कुछ समय उपरांत पदोन्नति होकर उन्हें कर्नल की पदवी से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी ने अथक प्रयासों से 500 से भी अधिक महिलाओं को साथ जोड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अस्थाई आजाद हिंद सरकार की घोषणा की तो वह सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। नेताजी के साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में एक कर्नल की भूमिका बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई। उन्हें कैद करके बर्मा की जेल में भी रखा गया। 1947 में डॉक्टर लक्ष्मी की शादी श्री प्रेम कुमार सहगल के साथ हुई और वह डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नाम से संबोधित होने लगी। भारत की स्वतंत्रता उपरांत भी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने अनेक सामाजिक मुद्दों पर सहभागिता निभाई। जीवन के आखिरी वर्षों में वह कानपुर आकर बस गईं और वंचितों की सेवा में लग गईं। 1998 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2012 में 98 वर्ष की आयु में आखिरी सांस लेने के समय भी वह कानपुर के अस्पताल में मरीजों का उपचार व देखभाल कर रही थी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के जन्म दिवस पर समस्त IMC परिवार उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड IMC। कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।